Hey guys, welcome back to the Chatpat Toy TV. मेरा नाम है रान। आज की वीडियो भाई बहुत ही ज्यादा गजब की होने वाली है, क्योंकि आज अपन अनबॉक्स करने वाले हैं विलीज एमबी जीप। ये एक बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक दिखने वाली जीप है। आज अपन इसकी फटाफट से करेंगे अनबॉक्सिंग और इसकी फाइट कराने वाले हैं इस ट्रैक्टर के साथ और ये वाली थार के साथ। तो चलो दोस्तों फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग। ये जो जीप है पूरी तरीके से कन्वर्टेबल क्लॉथ के साथ आ जाती है। इसका मतलब ये है कि भाई इसके ऊपर जो छत आती है ना, वो छत भी जो है अपने को इस बॉक्स के अंदर ही मिल जाती है। आप चाहे तो वो वाली छत जो है लगा भी सकते हो या फिर निकाल भी सकते हो। इस तरह की जीप शायद आप लोगों ने पुलिस वालों के पास या फिर मिलिट्री वालों के पास भी देखी होगी। ये जो जीप है पूरी तरीके से 4x4 है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, यहाँ पर आपको एक बैग दिखाई देगा। बैग पर जैसे ही क्लिक करोगे इसका बाय लिंक आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका बाय लिंक दे रखा है। चलो बॉक्स को फटाफट से मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। बॉक्स की हालत सही नहीं यार, कुरियर में शायद बॉक्स थोड़ा बहुत डैमेज हो गया होगा। यहाँ से यार इसको मैं हटा देता हूँ इस टेप को। ये देखो यार खोल दिया मैंने इसको। अभी अपनी फटाफट से जीप को बाहर निकाल लेते हैं। ये आ गई दोस्तों अपनी जीप बाहर। बॉक्स के अंदर कुछ है नहीं, सारी चीजें शायद यहीं पर होगी। मैं आपको फटाफट से सारी चीजें दिखा देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर मिलती है अपने को इसकी यूजर गाइड। ये देखो गाइस, ये है इसकी कन्वर्टेबल छत। ये लगाकर भी मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी तरीके से क्लॉथ का है। मटेरियल काफी ज्यादा मस्त दिया हुआ है और यहाँ पर दो रॉड्स भी दिए हुए हैं इसको सपोर्टिंग के लिए। यहाँ पर मिल जाता है इसका चार्जर इस जीप को चार्ज करने के लिए। यहां से निकाल लेते हैं अपनी जीप को बाहर। ओह माय गॉड गाइस, देख सकते हो यार क्या ही जबरदस्त दिखाई दे रही है पूरी तरीके से। भाई पुलिस वालों की जीप की तरह ही इसको डिजाइन किया हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पे देख रहे हो इसको ऊपर भी कर सकते हो या फिर नीचे भी इस तरह से करके अपनी जीप को चला सकते हो। यार इसका कलर तो देखो एकदम रियलिस्टिक नजर आ रही है। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा यूनिक सी चीजें भी लगाई गई है। यहाँ पे देख सकते हो यार मिट्टी वगैरह खोदने के लिए एक टूल दिया हुआ है। यहाँ पर देखो यार एक और यहाँ पे टूल है भाई साहब, ये मैं आपको निकाल के भी बताने वाला हूँ। काफी ज्यादा खतरनाक सी चीज है। फिलहाल इसको रखते हैं अपन यहाँ पर, देखते हैं इसके साथ और क्या क्या चीजें मिली है। और इसके साथ कुछ है नहीं गाइस। ये है इसका रिमोट। रिमोट काफी ज्यादा मस्त है। यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ से जो इसका टोटल डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हो। पहले इसकी बैटरी कहां पर लगती है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर है इसकी बैटरी, एकदम घटिया बैटरी दे रखी है। ये बैटरी मैं इसके अंदर यूज नहीं करने वाला हूं, कोई दूसरी बैटरी डालकर मैं इसके अंदर यूज करने वाला हूं। फिलहाल इसको बंद कर देते हैं। ये व्हील्स यार आपको याद होगा मेरे पास एक सुजुकी जिम्नी भी है, वो बहुत ही बड़े साइज की यार, उसके अंदर भी बिल्कुल इसी तरह के व्हील्स दिए हुए, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल व्हील्स है। यहाँ पे टूल्स यार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो टूल है ना यार, आप चाहे तो इसको पूरी तरीके से अलग भी कर सकते हो। यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से अगर अपन इसको खींचेंगे तो ये बाहर भी आ जाता है। जीप कहीं पर फंस जाती है तो इससे मिट्टी खोद के अपन निकाल सकते हैं। पीछे यहाँ पर है इसका पेट्रोल टैंक यानी कि फ्यूल टैंक। इसको जो है ना गाइस अपने को थोड़ा बाहर की तरफ पुल करना होता है, ये इस तरह से अलग हो जाता है। अभी देखो यार ये भाई साहब अपनी एक्स, देखो यार कुल्हाड़ी यहाँ पे दे रखी है। अगर अपनी कार के सामने भाई कुछ पेड़ वेड़ गिर जाएंगे तो अपन इस एक्स के जरिए उन पेड़ों को कट करके अपनी जीप को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ये इसीलिए दिया हुआ है भाई। तो अभी यहाँ पे फटाफट से मैं आपको कंपेयर करके बता देता हूँ। दोनों के अंदर ज्यादा कुछ फर्क है नहीं यार, दोनों की लंबाई बिल्कुल सेम टू सेम है। दोनों के अंदर पीछे एक्स्ट्रा व्हील देखने को मिल जाता है। थार जो है ना भाई कुछ अलग ही नजर आ जाती है, क्योंकि इसका जो ऑरेंज कलर है ना यार एकदम अपीलिंग कलर है। दूर से ही भाई लोग इसको देखकर हैरान हो जाते हैं, भाई इस तरह की भी कोई कार होती है बोलकर। अच्छा तो दोस्तों अभी अपन लोग आ चुके हैं यार, एक बार अपनी जीप का लुक तो देखो यार क्या ही गजब की दिखाई दे रही है। इसके ऊपर टॉप लगाने के बाद भाई साहब पूरी की पूरी पुलिस की रियलिस्टिक जीप जैसी दिखाई दे रही है। फटाफट से इसको रोड पर दौड़ाते हैं। ओ माय गॉड यार काफी सही तरीके से चल रही है और अपन जो है इसको सिंगल हैंडेड भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो रिमोट है ना एकदम कॉम्पैक्ट दिया हुआ है। काफी अच्छी लगी यार मेरे को ये जीप। अभी देखो ऊपर का टॉप मैंने हटा दिया है, अभी भाई एकदम मजा ही आता है इसको चलाने में। फटाफट से थार के साथ इसकी कराएंगे रेस, देखते हैं भाई रेस में कौन जीतता है। रेस चालू हो चुकी है, यहाँ पे देख सकते हो दोनों एकदम आजू बाजू में चल रहे हैं, देखते हैं भाई कौन जीतेगा। यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है दोस्तों, इसी बात पर वीडियो पर जरूर से लाइक ठोक देना। यहाँ पे देखो अपनी जीप आगे चल रही थी, अभी भाई थार ने इसको कट मारकर आगे निकल चुकी है। देखो यार थार बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है यार, जीप की जो स्पीड है ना अभी थोड़ी सी स्लो हो चुकी है। भाई थार थार ही होती है, जीप इसको पूरी कोशिश कर रही है हराने के लिए, पर यहाँ पे देख सकते हो यार थार अपनी क्लियर तरीके से जीत चुकी है इस रेस को।
दोस्तों अभी आएगा एकदम डबल मजा, क्योंकि अभी अपन अपनी जीप की रेस कराने वाला है ट्रैक्टर के साथ। ट्रैक्टर के बारे में आपको पता होगा ये ऑफ रोड में क्या मस्त तरीके से चल सकती है। अरे यार जीप यहाँ पे आगे निकल चुकी है, ट्रैक्टर का जो थोड़ा सा बैलेंस है ना गड़बड़ा चुका है यहाँ पर ऑफ रोड चलने के मामले में। जीप देखो काफी सही तरीके से आगे जा रही है भाई, ट्रैक्टर को थोड़ा सा भी चांस नहीं दे रही है आगे बढ़ने के लिए। ट्रैक्टर पूरी कोशिश कर रही है इसे आगे निकलने के लिए। मेरे को नहीं लगता इस रेस के अंदर ट्रैक्टर कहीं से भी जीतेगी। वापस यहाँ पे देख सकते हो अपनी जीप जो इस रेस को जीत चुकी है। अभी कराते हैं दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर, देखते हैं यार ट्रैक्टर यहाँ पे जीप को हरा पाती है या नहीं, क्योंकि ट्रैक्टर जो है वेट खींचने के मामले में बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो चुकी है। यहाँ पे देखो ट्रैक्टर पूरी कोशिश कर रही है व्हीली मारकर जीप को खींचने के लिए, पर जीप की पावर यहाँ पे देख सकते हो यार काफी खतरनाक तरीके से ट्रैक्टर को घसीट के लेके जा रही है। ट्रैक्टर तो भाई पूरी पावर लगा चुकी है जीप को खींचने के लिए, पर ट्रैक्टर से हो नहीं पा रहा। यहाँ पे अपनी जीप जो है ना भाई काफी आसानी से जीत चुकी है, इस ट्रैक्टर को हरा दिया है भाई इसने। यार अपनी जीप जो इतनी ज्यादा पावरफुल है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ट्रैक्टर को ही हरा के फेंक दिया यार इसने। तो अभी कराते हैं भाई यहाँ पे पुशबैक थार वर्सेस जीप के बीच में। ओ माय गॉड थार देखो यार इसका बोनट तोड़ते तोड़ते रहेगी यार, हमेशा थार इसी तरह से करती है भाई, दूसरी कार का जो है बोनट ही तोड़ डालती है। यहाँ पे देखो थार कितनी ज्यादा कोशिश कर रही है जीप को पीछे ढकेलने के लिए, पर यहाँ पर अपनी जीप भी कुछ कम नहीं है। देखो यार इसने पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया है, जरा बराबर भी चांस नहीं दे रही है थार को पीछे ढकेलने के लिए। जीप पूरी तरीके से जमी हुई है, देखते हैं जीप अभी थार को पीछे ढकेल पाती है नहीं। यहाँ पे जीप तो कोशिश कर रही है पर ढकेल नहीं पा रही है। यहाँ पे दोनों के बीच में टाई हो चुका है। अभी करेंगे दोनों के बीच में एकदम असली पावर टेस्ट। दोनों के बीच में रस्सी बांध दिए, देखते हैं भाई यहाँ पे टग ऑफ वॉर में कौन जीतेगा, जीप या फिर थार। दोनों के बीच में काफी खतरनाक सी लड़ाई चल रही है। थार देखो यार क्या ही कोशिश कर रही है भाई, पूरी तरीके से चारों व्हील्स एक साथ घुमाकर अभी भाई देख सकते हो इसने थोड़ा सा खींचा है जीप को। तो इसका मतलब ये है कि भाई थार बहुत ज्यादा पावरफुल है जीप के मुकाबले में। अपनी थार जीत चुकी है इस टग ऑफ वॉर को। अभी फटाफट से कराते हैं दोनों के बीच में ऑफ रोड टेस्ट, देखते हैं भाई ऑफ रोड में कौन सही तरीके से चल पाता है। यहाँ पे जीप जो है काफी आगे निकल चुकी है, यहाँ पे थार मेरे को लगता है फंस चुकी है। जीप देखो यार क्या खतरनाक तरीके से चल रही है भाई, कितने ज्यादा बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पे देख सकते हो भाई, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मजा आ गया गाइस इसको ऑफ रोड में चलाने पर। ओ माई गॉड क्या ही जबरदस्त सस्पेंशन है यहाँ पे। अभी थार भी निकल चुकी है, देखते यार यहाँ से निकल पाती है या नहीं। यार ये तो धड़ाम से नीचे गिर चुकी है, क्योंकि गाइस इसके व्हील जो है ना थोड़े छोटे दिए हुए, तो इसको ऑफ रोड चलने के मामले में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे जीप जीत चुकी है। अभी देखो और एकदम खतरनाक टेस्ट करते हैं, यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े पत्थर हैं। अभी जीप को चला के देखते हैं इन पत्थरों पर से ये चल पाती है या नहीं। यार यहाँ पे अपनी जीप जो है फंस चुकी है, आगे मूव नहीं कर पा रही है क्योंकि इसके अंदर उतनी ज्यादा पावर है नहीं। सेम टेस्ट करते हैं थार के साथ, देखते हैं भाई थार अपनी यहाँ से निकल पाती है या नहीं। थार भी देखो यार वापस से वहीं पर आकर अटक चुकी है। अभी भाई इसको थोड़ा सा मैं बैक लेकर आगे मूव कराता हूँ, ये अपने आप ही यहाँ से निकल चुकी है भाई पावर के मामले में और स्पीड चलने के मामले में। थार यहाँ पे जीत चुकी है दोस्तों। अभी दोनों के बीच में लाइट टेस्ट करके देख लेते हैं। थार के अंदर देखो यार इंडिकेटर्स भी काम करते हैं और इसके हेडलाइट भी बहुत ज्यादा ब्राइट है। इसके अंदर देखो यार हेडलाइट भी काम करते हैं, दोनों इंडिकेटर एक साथ आ जाते हैं भाई, इंडिकेटर टिमटिमाने नहीं लगते हैं अपनी जीप के अंदर। दोनों की लाइटिंग काफी ज्यादा मस्त है। दोनों के बीच में टाई हो चुका है, दोनों के अंदर बहुत ही ज्यादा मस्त लाइटिंग दी हुई है। दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको थार पसंद है या फिर नई नवेली जीप पसंद है, नीचे कमेंट करोगे इस फटाफट से अभी कभी। तो चलो अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। सबसे पहला नाम आ जाता है महेश, रामकृष्णा, अरमान, आरव, मधुर, रोहित, नवीन, निशान कुमार, शरीफ, नेपाल सिंह। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।